Hello to class 12th. So class, we were doing indifference curve, right? Now let's pick a short revision. We are doing consumer's equilibrium theories, and by two different approaches we are doing them. So the first one was cardinal approach. Under that we had two cases, one commodity case and two commodity case. We have finished that. Now we are doing consumer's equilibrium through IC approach, right? Indifference या IC approach कहते हैं इसे, right? Now IC approach पढ़ने से पहले we need to know some basic things about it. Day before yesterday I started with it. So the basic approaches जो हमको पढ़ने पड़ेंगे वो क्या है? Indifference curve, पहली बात तो इसको समझ लीजिए कि 2021 के बोर्ड के लिए, मतलब आपके बोर्ड के लिए ये बहुत जरूरी है. दिस इज गोइंग टू कम दिस टाइम, राइट? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच. सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है. इंडिफरेंस इंडिफरेंस शेड्यूल. सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस का शेड्यूल है क्या. ठीक है, तो मैंने ये बता रही हूँ, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव equal level of satisfaction to consumer. Now what is indifference schedule? हमारा approach का नाम है IC curve approach, right? Indifference curve approach. But before going to indifference curve, it becomes very important for us to know what is actually indifference schedule. Indifference schedule अगर हमको समझ में आ जाएगा तो indifference curve भी समझ में आ जाएगा. तो indifference schedule क्या कहता है? यहाँ पे हमेशा आता है कि जहाँ जहाँ term schedule use होता है economics, इसका मतलब कुछ क्या होता है? एक table, right? Now indifference schedule एक table है, एक tabular presentation है, जिसमें दो commodities के अलग अलग combinations show किए जाएंगे और वो कॉम्बिनेशंस जो है कस्टमर को क्या देंगे? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल. दिस हैव योर दिस इज गिवन इन योर बुक आल्सो. दिस इज अ टेबल प्रेजेंटेशन. तो ये कॉम्बिनेशंस है. ये क्या है? कॉम्बिनेशंस. ये कॉम्बिनेशंस है, ठीक है? कॉम्बिनेशंस क्या है? ए बी सी एंड डी, तीन कॉम्बिनेशंस है. अभी किस किस के कॉम्बिनेशन है? टू कमोडिटीज. यहाँ पे हमने बोला है कि टू गुड्स के कॉम्बिनेशन. टू गुड्स क्या हो गए आपके? हम फूड ले लीजिए या क्लॉथ ले लीजिए. यहाँ पे हमने फूड ले लिया और यहाँ हमने क्लॉथ ले लिया, राइट? अब कॉम्बिनेशन ए क्या है? कॉम्बिनेशन ए ये है, चाहे आप कॉम्बिनेशन ए में क्या कर रहे हो? वन यूनिट ऑफ फूड यूज कर रहे हो और 10 यूनिट ऑफ क्लॉथ ले रहे हो. ये पहला कॉम्बिनेशन है आपके पास. ये आपका पहला कॉम्बिनेशन है. या आपकी चॉइस है कि या तो आप ए में एक फूड की यूनिट लीजिए या तो 10 यूनिट ऑफ क्लॉथ लीजिए. जो आपके पास दूसरा ऑप्शन है वो ये है, टू क्लॉथ फूड लीजिए या 7 क्लॉथ लीजिए. दिस इज योर अनदर ऑप्शन. दिस इज थर्ड इज अनदर ऑप्शन. सी इज 3 and 5. इधर द सी यू सेज दैट इधर यू गो फॉर 3 यूनिट्स ऑफ फूड और 5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, और व्हाट यू कैन डू इज यू गो फॉर 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ एंड 4 यूनिट ऑफ फूड. Now, अब ये क्या है? इंडिफरेंस शेड्यूल क्या कहता है? इंडिफरेंस शेड्यूल कहता है कि एक ऐसा टेबल जो अलग अलग कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशंस क्या है यहाँ पे? ए बी सी डी. ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के. दो गुड्स क्या है? फूड एंड क्लॉथ. दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो क्या देंगे? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे कंज्यूमर को. अब चाहे मैं कॉम्बिनेशन ए यूज करूं, चाहे कॉम्बिनेशन बी यूज करूं, चाहे कॉम्बिनेशन सी यूज करूं, चाहे कॉम्बिनेशन डी यूज करूं, ये सारे के सारे क्या देंगे कस्टमर को या एज ए कंज्यूमर मुझे क्या देंगे? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन.
दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन गिवन बाय ए इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन गिवन बाय सी इक्वल्स टू डी. राइट नाउ अब इन ए बी सी डी कॉम्बिनेशन में कस्टमर अपने आप कोई डिफरेंस महसूस कर ही नहीं पा रहा है. कॉम्बिनेशन ए चाहे कॉम्बिनेशन बी चाहे कॉम्बिनेशन सी या कॉम्बिनेशन डी, इन सब कॉम्बिनेशन को यूज करने पे कस्टमर को कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको इनडिफरेंट. ही फील्स व्हाट? इनडिफरेंट. ही इज इनडिफरेंट रिगार्डिंग सेटिस्फैक्शन. इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस मतलब होता है नो डिफरेंस. नो डिफरेंस तो यहां नो डिफरेंस किस बात का है? यहां नो डिफरेंस है सेटिस्फैक्शन को ले करके. कंज्यूमर इज नॉट एट ऑल एबल टू फाइंड आउट एनी टाइप ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द सेटिस्फैक्शन. सो स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, व्हाट इज इंडिफरेंट शेड्यूल? इंडिफरेंट शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ए बी सी डी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के, फूड और क्लॉथ के, जो आपको क्या देंगे? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे कंज्यूमर को. मतलब कॉम्बिनेशन ए कहता है या तो आप एक यूनिट ऑफ फूड खरीदो और एक यूनिट ऑफ क्लॉथ. बी कहता है या तो आप एक यूनिट फूड की टू यूनिट ऑफ फूड लो और सेवन यूनिट ऑफ क्लॉथ. सी सेज इधर यू गो फॉर, यू कैन गो फॉर फूड थ्री यूनिट ऑफ फूड एंड फाइव यूनिट ऑफ क्लॉथ. द सेम वे डी सेज इधर यू कैन यूज द कंज्यूमर हैज ऑप्शन ऑफ यूजिंग फोर ईच ऑफ फूड एंड क्लॉथ. सो द कंज्यूमर हैज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द satisfaction given received from these four combinations. Whatever satisfaction he is receiving, all satisfaction are equal. That means satisfaction given by A is equals to B, B is equals to C, and C is equals to D. That's why he is indifferent, right? Now this is your schedule. We have told you about the schedule. Now we are going to draw a diagram out here, right? We'll draw indifference curve. Now we draw what? Indifference curve, right, children? So, y, this is your x, okay? On y we are showing cloth and on x we are showing food. So here we are showing cloth and here we are showing what? Food. Okay, now in combination A he is using 10 of the, okay, we'll first of all put it like this, 4, 5, 7 and 10, 7, 10, same way, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4. So combination A is 1 of food and 10 of cloth, 1 of food and 10 of cloth. Combination 2 is B, that is 2 of food and 7 of cloth, 2 of food and 7 of cloth. Same way C is 3 of food and 5 of cloth, 3 of food and 5 of cloth. And fourth one is 4 for each. Right? Now we are going to join these locus points. Right, this is your combination A, B, C and D. Right, and this is your what? Indifference curve. This is your IC. This is your indifference curve. This is an indifference curve. Now, what does the definition of indifference curve says? An indifference curve shows various combination of two goods. Now, what does the definition of indifference curve says? An indifference curve says shows various combination of two goods, which gives equal level of satisfaction to the consumer. Indifference
कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. नाउ व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व सेज? इट इज यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस. कैन यू एंड इंडिफरेंस कर्व शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. Right? As I told you, why it is known as indifferent? Indifference. Why? Because the consumer is indifferent in finding out the difference between the satisfaction given by these different combinations. तो जितना भी हमको satisfaction A से मिल रहा है वो बराबर है B के, B से मिल रहा है बराबर है C के, and C से मिल रहा है बराबर है D के. Right? So this is about your indifference curve. बहुत important बात इसमें जो keywords है वो combinations है. कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हो गया, ठीक है, एंड इक्वल लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन. तो जो भी सैटिस्फैक्शन आपको ए से मिल रहा है, राइट, ए से, वो बराबर है सैटिस्फैक्शन जो बी से मिल रहा है, वो बराबर है सैटिस्फैक्शन जो सी से मिल रहा है, और बराबर है सैटिस्फैक्शन जो डी से मिल रहा है. तो कंज्यूमर फील्स व्हाट? कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, राइट. दैट मीन्स दैट ही इज फीलिंग no difference. He is not able to identify the difference between these satisfactions on these different combination of goods. Right? So this is your indifference curve. Now we have done indifference schedule, we have done indifference curve, now we are going to do indifference map. What is indifference map? Ab hum padhenge what is indifference map. Now children, indifference map is a group or set of indifference curves, each on which represent a given level of satisfaction. Is a group or set of indifference maps. जब एक ग्रुप या कुछ इंडिफरेंस कर्व्स हम दिखाते हैं, ठीक है, ऑन अ कर्व और ऑन अ दिस ग्राफ इज अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस मैप ऑन अ ग्राफ, ईच इंडिफरेंस कर्व represents a particular level of satisfaction. Level of satisfaction. जब हम एक ही यहां गुड टू गुड वन, जब हमने बहुत सारे डिफरेंस मैप्स ड्रॉ कर दिए, IC1, IC3, IC2, IC1, जब एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट होते हैं या दिखते हैं या दिखाए जाते हैं, और हर एक मैप क्या करेगा, आपका अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा. यहाँ पे हर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, लेकिन एक ही इंडिफरेंस कर्व में जितने भी लोकस पॉइंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. मतलब इसमें अगर लोकस पॉइंट्स ये हैं ए बी और सी, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी सेटिस्फैक्शन होगा. लेकिन जो इसके लोकस पॉइंट है डी ई और एफ, ये इनके बराबर नहीं होगा. आई सी वन सेटिस्फैक्शन ऑन आई सी वन R, IC1 is different from rest IC's.
तो एक आईसी में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बाकी आईसी में नहीं होता है. एक सेटिस्फेक्शन में जितने भी लोकस पॉइंट है वो एक आईसी में जितने भी लोकस पॉइंट है जितने पॉइंट है वो आपस में बराबर हो सकते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल, लेकिन एक इंडिफरेंस कर्व का दूसरे इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फेक्शन बराबर नहीं होता है. एक इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन बराबर होगा पर वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व से क्या होगा, अलग होगा. तो चिल्ड्रन टुडे वी हैव डन अप टू दिस मच एंड आई होप यू आर गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग. मैं दोबारा से थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज करूंगी एंड देन वी मूव फॉरवर्ड विद इंडिफरेंस कर्व. कीप कंप्लीटिंग योर नोट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टे एट होम.